हम लोग यहाँ से एक ग्रुप लेके जा रहे हैं टू कोस्टा क्रूज, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड हम लोग कवर करने वाले हैं क्रूज के थ्रू। हमारा पहला जो स्टार्ट है वो बोट का स्टार्ट है सिंगापुर से, और अभी सेटल हूँ एक नई जर्नी की तरफ, देखते हैं क्या होता है। अभी पोर्ट पे जाने से पहले हमारे पास कुछ टाइम था तो हम लोगों ने कुछ साइट सीइंग किया। अभी मैं हूँ सिंगापुर फ्लायर में, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्लायर है, सबसे जो बड़ा है वो है लास वेगास में, देख सकते हैं आप मेरे बैकग्राउंड में। थोड़ा सा डार्क रहेगा बिकॉज अभी लाइट इतनी अच्छी नहीं है। और इसके अलावा अभी हमने फाउंटेन ऑफ वेल्थ है जो सन सिटी में है, सन टेक सिटी में है, जो कि एक फाउंटेन है जो एक हाथ की शेप के बीच में बना हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि चाइनीज़ फेंगशुई के हिसाब से कुछ 5 बिल्डिंग्स हैं जो हमारे हाथ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो काफ़ी कुछ है देखने के लिए सिंगापुर में, हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है तो देखते हैं हम क्या कवर कर सकते हैं। तो मैं हूँ इस समय मरीना बे सिंगापुर में, जो एक हमारा एक साइट सीइंग का स्पॉट है जहाँ पे हम अभी रुके हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम लोग कोस्टा क्रूज पे जाएंगे। तो ये जो पीछे आप स्टैचू देख रहे हैं ये हाफ फिश और हाफ लायन है, इसकी जो हिस्ट्री है सिंगापुर से काफ़ी रिलेटेड है। सिंगापुर जो है, सिंगापुर संस्कृत वर्ड से निकला है सिंगापुरा, इसका मतलब है सिंग की सिटी, मतलब लॉयन सिटी। और जो फिश है बिकॉज ये फिशिंग विलेज था पहले, इसलिए इसकी रेलेवेंस है। यहाँ पे लोग जो हैं अलग अलग पोजेस पे फोटोज क्लिक करने की कोशिश करते हैं, जो एक फेमस है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है। सो अभी मैं पहुंच चुका हूँ उस टर्मिनल में जहाँ पे हमारी शिप जाने वाली है यहाँ से मलेशिया, उसके बाद हम लोग थाईलैंड जाएंगे। तो अभी यहाँ पे सेम प्रोसेस होता है, जैसे चेक इन होता है, इमिग्रेशन होता है, जैसे कि आप फ्लाइट में जाते हैं तो एक अलग ट्रांसपोर्ट है, ये एक अलग ट्रांसपोर्ट है। तो अभी वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे चेक इन होने के बाद, इमिग्रेशन होगा फिर हम लोग जाएंगे शिप में। मैं आ चुका हूँ अपने रूम में चेक इन और इमिग्रेशन करने के बाद। एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, शायद लाइफ में पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ ऑन अ क्रूज, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। तो थोड़ा टायरिंग है बट कोई बात नहीं, हम इस सफ़र को पूरा कर लेंगे मज़े करके। तो अगले 3 दिन जो हैं वो काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं, हम लोग मलेशिया क्रॉस करेंगे फिर उसके बाद थाईलैंड जाएंगे। इस शिप के बारे में तो आपको बताना भूल गया, इस क्रूज के अंदर है हर तरह का एंटरटेनमेंट, फ्रॉम कैसीनो और नाइट क्लब टू शॉपिंग, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप क्रूज पे हैं ही नहीं, आप लैंड पे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, कैसी रहती है हमारी जर्नी। आप देख सकते हैं पीछे मेरे स्लॉट मशीन हैं कसीनो की, और पीछे कुछ टेबल गेम्स हैं जो आप खेल सकते हैं यहाँ पे अगर आप कसीनो का शौक रखते हैं तो। मिनिमम बेट अभी फ़िलहाल $15 है जो कि 25 तक जाती है अगर लोग खेलने वाले ज़्यादा हों तो। ब्लैक जैक, रूले, बकरात, कुछ गेम्स हैं जो यहाँ पे आप खेल सकते हैं, 3-कार्ड पोकर। तो आप अगर आपको टाइम स्पेंड करना है तो आप कसीनो में भी आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दिन है क्रूज का और अभी हम लोग मलेशिया के पोर्ट क्लांग में रुके हुए हैं। यहाँ से 1-2 घंटे की ड्राइव है जहाँ से आप ट्विन टावर्स और केयर टावर और शॉपिंग कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम कम होता है बिकॉज 9 बजे अगर आप यहाँ पे डॉक होते हो तो यू नीड एटलीस्ट 3 आवर्स टू डू एवरीथिंग। तो आप अगर यहाँ पे रुकते हैं तो आप कर सकते हैं। थाईलैंड में हमने भी
शॉपिंग है, कैफेज हैं, और हमारे राइट में ये ओशन है. प्लीज टर्न द कैमरा. यस, यहाँ पे वो दूर हमारा क्रूज पार्क्ड है. तो अभी वापस हम जाएंगे, एक घंटे के बाद हम जाएंगे, हम कुछ शॉपिंग करेंगे यहाँ पे. और जब आप यहाँ पे आते हो तो कभी करेंसी की इशू होती, तो आप हमेशा याद रखें कि डॉलर्स आपने कैरी करने हैं. डॉलर से आपको बेटर रेट मिलता है, आपके लिए इजी रहता है कैरी करना. आप जैसे क्रूज पे जा रहे हैं तो अलग अलग कंट्रीज पे जा रहे हैं, तो डॉलर इज ऑलवेज यूजफुल. थैंक यू. वापस अपने डेक पे जाने का टाइम आ गया है, हमारे क्रूज पे जाने का टाइम आ गया है. देखिए, एक मेरी जो टीम है वो जा चुकी है, मैं अभी वेट कर रहा हूँ. आफ्टर अ स्मॉल डे आउट इन फुकेट, हम अब वापस जा रहे हैं अपनी जर्नी पे. वापस जाएंगे सिंगापुर. कल पूरा दिन सेलिंग है हमारी, अब हमें क्रूज पे ही इंजॉय करना पड़ेगा जो भी है. तो आज सेकेंड लास्ट डे है, कल हम लोग वापस जाएंगे सिंगापुर. अभी हम क्रूज कर रहे हैं, आज पूरा दिन हमने सेल करना है. सेल करने के बाद हम कल पहुंचेंगे सिंगापुर. और मेरे साथ कुछ टूरिस्ट हैं. दे आर फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम? मलेशियन टूरिस्ट. देयर आल्सो हियर फैमिली है, तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो फैमिली से आ सकते हैं. और एक बहुत अलग एक यूनिक एक्सपीरियंस है यहाँ पे. और थोड़ा सा समुद्र गंदा है, बट क्या कर सकते हैं, हम लोग ही गंदा करते हैं. तो एक से आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्रूज पे जाएं तो कुछ भी पानी मत देखें, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए. प्लीज लिसन टू मिस पानी. और थैंक यू सो मच.